प्रयास करूंगा कि माननीय विधायक जी उसी से विदेशी और मन हमारे सम्मानित साथी और कार्यकर्ता माताएं बहनें, आप लोगों से हमें तो बहुत कुछ बताना है। हमको आप लोग हिंदू के नाम से वो ठगने का काम जो सरकार करती है, सब लोगों के यहां मैं शामिल रहूंगा। आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, लेनी बाबू जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय नेताजी जिंदाबाद, जय समाजवाद, जय मुलायम। धन्यवाद साहब सभी लोगों को। हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है। हमारे जयपुर विधानसभा के प्रत्याशी गौरव रावत ने उस गढ़ को कामयाब रखा है। आज आप लोग उनका सम्मान करने जा रहे हैं। किस तरीके से क्षेत्र की जनता उनका सम्मान करती है, इसके बारे में पूरी बात बताइए। श्रीमान जी, ये बाराबंकी जनपद जैसे आपने कहा समाजवादी का गढ़ रहा। ये 1952 में बाबू राम सेवक यादव ने लोहिया जी के नेतृत्व में समाजवादी की नींव डाली थी, जिसका परचम बाबू राम सेवक यादव ने पूरे देश में लहराया। समाजवाद का झंडा पूरे देश में फला फूला। उसी कड़ी में उनके शिष्य माननीय बेनी प्रसाद वर्मा, उनकी अनुपस्थित में बेनी प्रसाद वर्मा ने बाराबंकी के विकास में कोई कमी नहीं रखी। उनके पदचिन्हों पर चल करके मुलायम सिंह यादव के कंधे से कंधा मिला करके बाराबंकी का विकास किया। उनके विकास के नाम पर उपचुनाव में जयपुर की जनता ने बेनी प्रसाद वर्मा के गौरव को बढ़ाने के क्षेत्र में जो है खपरवा गांव में जनता ने आपका स्वागत सम्मान किया है, इसलिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूं, पहले तो सब लोग आपस में मिलजुल कर जैसे रह रहे हैं उस तरह रहें, और समाज में जो भी दूसरे दल के लोग जो वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं उससे दूर रहें, और आगे बढ़कर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहें और समाज को आगे बढ़ाएं।